नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। क्या आम आदमी पार्टी का खत्म हो जाएगा अस्तित्व? क्या लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा आम आदमी पार्टी का विधायक दल? ये मैं नहीं, ये आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पार्टी पर। बताते चले कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी उनके 21 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देकर खरीदना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी जो है वो लगातार विधायकों के संपर्क में है। और आज तक में रिपोर्ट जो छपी है उसके हवाले से अभी तक 7 विधायकों से बीजेपी ने संपर्क किया। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उन्होंने साफ तौर पर यह इनकार कर दिया है, मतलब कि बीजेपी के ऑफर को ठुकरा दिया है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जो है लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश चल रही है। ऑपरेशन लोटस दिल्ली में भी हावी हो रहा है। बताते चले एक तरफ जो है शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल लगातार जो है ईडी के समन का जो है वो जवाब नहीं दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी चर्चाएं खूब हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जिस तरीके से अब ये आरोप आया है कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है कि आखिर जो है अब बीजेपी क्या सच में आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है? आखिर लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पर इतना खतरा क्यों मंडरा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप है और बीजेपी पार्टी पर यह आरोप जो है आम आदमी पार्टी ने लगाया है कि उनके विधायकों को जो है कहीं ना कहीं खरीदने का प्रयास हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब दिल्ली में भी अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है कि क्या दिल्ली की सरकार गिर जाएगी? आखिर कैसे जो है अब अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को संभालेंगे, क्योंकि लगातार उनके विधायकों को कहीं ना कहीं विधायकों को खरीदने का प्रयास हो रहा है और बीजेपी ऑपरेशन लोटस जो है दिल्ली में चलाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल जो है आम आदमी पार्टी के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन आवाज।